My friends, it's a joy to listen to Jesus. मेरे मित्रों, यीशु को सुनना बहुत आनंद की बात है. And that's what you're going to do right now through Genesis 16:13. और ये काम उत्पत्ति 16:13 के माध्यम से हम सुनने वाले हैं. As the Bible says, you are the God who sees me. जैसे बाइबल कहती है, तो वो परमेश्वर है जो मुझे देखता है. Isn't it wonderful that God sees you? क्या बेहतरीन बात नहीं है कि परमेश्वर आपको देखते हैं? His eyes are upon you. उनकी नजर आपके ऊपर है. Today he promises you that. आज ये वादा वो आपसे कर रहे हैं. He sees you in the lowest. आपके दीन दशा में वो आपको देखते हैं. When you're struggling the most. जब आप संघर्ष करते हैं. When you're put down the most. जब आपको बहुत नीचे गिराया गया है. Jesus sees and reaches out to us. यीशु आपको देख के आपके ओर आगे बढ़ जाते हैं. That's the great love of God. ये परमेश्वर की महान प्रेम है. We will have to suffer all alone in this world when we're in the lowest. कभी-कभी हम अपने जीवन में अकेली परेशानियों का सामना करते हैं. There'll be no one. हमारे साथ कोई नहीं होते. People might try to comfort us, but it'll only be a temporary distraction. शायद लोग मुझे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत सामयिक बात है. But only God is able to comfort us and lift us up when we're in the lowest. लेकिन सिर्फ परमेश्वर जब हम बहुत नीचे रहते हैं हमें दिलासा दे सकते हैं. Even in the Bible we read that Jesus saw a man called Nathaniel. बाइबल में हम देखते हैं यीशु ने एक इंसान जिसका नाम नथानियल था उसको देख लिया था. He told Nathaniel, even before you came to see me, I saw you under the fig tree. उन्होंने नथानियल को बोला, तू मेरे पास आने से पहले ही अंजीर के वृक्ष के नीचे मैंने तुझे देखा था. And he says, I saw Nathaniel to be a man in whom there is no deceit. उन्होंने कहा, नथानियल तेरे अंदर कोई कपट नहीं है. He not only sees us in the lowest. हमारे दीन दशा में हमें सिर्फ वो नहीं देखते हैं. But he sees who we really are. मगर वो देख लेते हैं हम किस तरह का इंसान हैं. He said, Nathaniel, I see you to be a man with no deceit. उन्होंने बोला, नथानियल तेरे अंदर कोई कपट की बात नहीं है. He'll tell you also, you are a man who is so kind. वो आपको देखकर कहेंगे, तू एक दयावंत इंसान है. You are my truthful son. तू मेरा सच्चा पुत्र है. You are a strong girl. तू एक सामर्थी बेटी है. He will tell you who you are. वो आपको कहेंगे कि आप कौन हैं. And he will lift you up to do mighty things. वो आपको महान काम करने के लिए ऊंचा उठाएंगे. That is how God sees us. इसी तरह से परमेश्वर हमें देखते हैं. Today shall we praise the God who sees us. आज आइए उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें देखते हैं. Thank you Lord for you see us in the lowest. धन्यवाद, हमारे दीन स्थिति में परमेश्वर आप हमें देखते हैं. When we're struggling, you see us and call us Lord. जब हम संघर्ष करते हैं आप हमें देखकर पुकारते हैं. You see our best character. आप हमारे श्रेष्ठ चरित्र को देखते हैं. You see our strengths. आप हमारे सामर्थ्य को देखते हैं. And you encourage us. आप हमें उत्साहित करते हैं. You empower us. आप हमें सामर्थ्य देते हैं. And lift us up to do your mighty work. आपके महान काम करने के लिए हमें ऊंचा उठाते हैं. Thank you for your seeing your children right now. धन्यवाद, अपने बच्चों के ऊपर आप नजर रख रहे हैं अभी. Calling them by name. नाम लेकर उनको पुकार रहे हैं. And lifting them out of their sorrow. उनके दुख से आप उनको ऊंचा उठा रहे हैं. To go and shine for you. ताकि जाकर आपके लिए चमक जाएं. To go and speak about you. जाकर आपकी बात करें. To go and execute your plans. जाकर आपके योजनाओं को हासिल कर लें. To show your wisdom to this world. इस दुनिया में आपके ज्ञान को दर्शाएं. To show your power in this world. आपके सामर्थ्य को इस दुनिया में दर्शाएं. Thank you for you are a God who sees us, Lord. धन्यवाद, आप जो परमेश्वर हमें देखते हैं. You have not forgotten us. आपने हमें भूला नहीं है. We are not alone. हम अकेले नहीं हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. Amen. Amen. His eyes are upon you, my friends. मेरे मित्रों, उनका नजर आपके ऊपर है. Go and live with joy. आनंद के साथ जीवन जिए. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.